अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये टेलर भाई आए थे और ये कपड़े मेरे स्टिच करके शुक्र है फाइनली ले आए हैं। मैं इनको बोल रही थी कि भाई 2-3 दिन पहले मुझे कपड़े दे दीजिएगा, ताकि अगर किसी कपड़े में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो वो फिर बाद में अगर चेंज भी करवाना पड़ता है सिलाई वगैरह, तो वो कर लेते हैं ना। और मैंने अभी बैग वगैरह भी पैक नहीं किया और एमरजेंसी में यकीन करें कि हमें ये सारी तैयारियां करनी पड़ी है, क्योंकि कल तक भी मेरा प्रोग्राम नहीं था कि हमने जाना है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें एक दफ़ा बोल दिया कि तुम चलोगे साथ, तो बस जाना है, क्योंकि अब रमज़ान बिल्कुल जो है वो आपको पता है कि सर पर है। तो मुझे यही था कि नहीं, बच्चे भी अकेले रहेंगे, रमज़ान भी आ गया, तो किस तरह मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ज़्यादा दिन के लिए नहीं मैं जा रहा, बस 2-3 दिन के लिए हमने जाना है, तो बस तुम चलोगे साथ ना, मेरी बस है कि तुम साथ मेरे चलो। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, इतनी वो ज़िद कर रहे थे। तो फिर अभी हम निकले हैं, तो अभी मैं फेशियल करवा कर, तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये आपको मेरे फेस पे फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं। मैं करवा के आई हूँ गोल्ड फेशियल, तो चमक गई है मेरी नाक, देखें कैसी शाइन कर रही है। और यहाँ से भी देखें, अभी करना है हम लोगों ने कलर, हस्बैंड को बोलूँगी वही करेंगे, क्योंकि ये देखें आईब्रो भी मैंने बनवा ली है। और पार्लर में बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, 4,500 उन्होंने कहा कलर करेंगे, कलर मेरा अपना था, जस्ट उन्होंने करना था, तो उसी पे इतने पैसे मांग लिए थे। है यहाँ पे मैं करवा के आई थी फेशियल, और आकर मैं आपको दिखा रही हूँ एक ही दिन में, या करवाती फ़ौरन तो आपको पता है रिज़ल्ट नहीं आ जाता, नेक्स्ट डे आता है या फिर 1-2 दिन बाद आता है रिज़ल्ट, जब भी आप फेस पे कुछ भी करवाते हैं। तो क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मुझे एमरजेंसी में निकलना पड़ रहा था, तो मुझे ये सारी तैयारियाँ जो हैं वो बस करनी थी फटाफट। आज के ही दिन मुझे फेशियल भी लेना था, आज के दिन मुझे हेयर कलर भी करना था, ब्लीच भी करनी थी, पैकिंग भी करनी थी, मतलब कि बहुत सारी काम थे जो कि मुझे एक ही दिन में करने थे ना। तो बस अभी मैं फिर वो वहाँ पे, तो मैं पार्लर में जो है वो नई व्लॉग बना पाई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो रश होता है और दूसरा आपको पता है फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने वहाँ बनाया भी नहीं। तो खैर अब घर आने के बाद फिर मुझे मैंने बर्गर खा लिया था, वैसे मैं दाल बनाकर चली गई थी, बच्चों ने खाना वाना खा लिया था, वहाँ भी आपको पता है 1.5 घंटा तो लग ही जाता है पार्लर में भी। तो उसके बाद फिर मैं घर वापस आई थी और मैंने अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था, और अभी जो है वो कलर करने लगी। और यहाँ पे देखें जो मेरे ऊपर के बाल हैं वो तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के हैं, और नीचे के जो बाल हैं ना वो थोड़े से जैसे ब्राउन होते हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रिकिंग करवाई थी जैसे मैंने आपको बताया था ना। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, अगर मैं करीब से दिखाऊँ ना तो बीच बीच में आपको कोई कोई बाल जो है वो अलग कलर का दिख रहा होगा, तो वो स्ट्रिकिंग की वजह से हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था वो हैश ग्रीन कलर करवाया था, और उसके बाद आपको पता है जब कलर तो उतरने लग जाता है फिर नीचे से जो कट डाउन होता है ना वो बाल आने लग जाते हैं और काफ़ी वो रफ़ हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि जब आप सर पे कलर करवाते हैं ना, उसके बाद यकीन करें जैसे इंसान एक दलदल में घुस जाता है ना, बस समझ लें कि आज आपने ये कलर करवाया, कल वो करेंगे, कल वो करेंगे, मतलब इस तरह से फिर आप ना चेंज करते रहते हैं और बालों का हो जाता है बेड़ा गर्क। तो यहाँ पे जो मैंने कलर लिया वो 9.36 है, वैसे आपको यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, तो ये मैंने कलर ले लिया था। और इसका जो वॉल्यूम है जो डेवलपर होता है इसका, वो मैंने 20 वॉल्यूम लिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंने, वैसे 2 ट्यूब ले ली थी क्रीम की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाल जो हैं वो लंबे हैं, तो ये मैंने वहीं पर जो जहाँ से मैंने कलर लिया था उनको मैंने कहा था कि मेरे फेस पर देखें कौन सा कलर जो है वो सूट करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपका कलर कैसे है, आपका मतलब के जो बाल हैं वो कैसे हैं, फिर उन पर कौन सा कलर कैसे आना है कैसा नहीं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो आपके ऊपर के बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हैं, तो इसलिए आपके बालों पे मुश्किल से कलर आएगा नीचे, मगर नीचे के जो बाल हैं वो ज़ाहिर है स्ट्रिकिंग की वजह से जो है वो दिख रहे होंगे आपको लाइट ब्राउन है, अच्छा बीच बीच में ब्लैक कलर भी है, बीच में स्ट्रिकिंग भी है ज़ाहिर सी बात है, और ऊपर के बाल जो है वो कुछ इस तरह के हैं, तो इसलिए इन पे कलर लाना उन्होंने कहा थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप जितना लाइट कलर लेंगे उतना आपके बालों पे जो है ना वो लाइट ही आना है कलर, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग से कलर जो है वो नहीं आएगा। तो बस है मुझे कलर जो है वो करना भी था, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिकिंग थी वो भी ख़राब हो रही थी, और उसके अलावा दिल चाह रहा था कि कुछ चेंज करूं, वैसे तो जो ब्लैक बाल हैं आपको पता है वही सबकी जान होती है, लेकिन मेरे ना कुछ स्टिकिंग ख़राब हो रही थी, ऊपर से 1-2 जो बाल सफ़ेद आ रहा था ना ये भी मुझे जो है ना कभी कभी बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि तुम एक काम करो इसको काट दो, तुम काटती क्यों नहीं, 1-2 बाल ही तो है, तुम उसको लेकर कलर पूरे सर पर करोगी तो तुम बेहतर है कि उस बाल को काट दो। मैंने कहा नहीं, मैंने काटना नहीं है, रहेगा वो बाल इसी तरह से, लेकिन मैं उसको हाँ जब कलर करूँगी बालों में उसमें कलर हो गया तो ठीक है, क्योंकि स्टिकिंग पहले भी मैंने करवाई थी तो उसमें वो नहीं हुआ था, उसका कलर नहीं हुआ था उस बाल पर। तो है अभी ये मैं लेकर आई थी एक बाउल सा और साथ में ब्रश है जिसमें मैं कलर घोलूंगी, और जो ट्यूब है ये जो फार्मेसी ब्रांड का ये कलर है 9.36 इसका जो है ना वो है नंबर है,
तो बाकी आप कलर होने के बाद देख लीजिएगा कैसा कलर आएगा और किस तरह से जो है वो मैं सारा करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं घर में डाई कर रही हूँ अपने बालों को, अदरवाइज़ जो है वो मैं जब पहले करवाया था वो मैंने वहाँ से करवाया था सियालकोट से, और अभी जब मैंने दूसरी दफ़ा करवाया था तो मेरी दोस्तियाँ यहाँ पर, तो मैंने उनको बुला लिया था कि मुझे वो कर देंगी, तो फिर उन्होंने जो है ना वो इतनी हार्श ट्रीटिंग नहीं की थी बल्कि बाल मेरे ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि उन्होंने ब्लीच का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, कलर का इस्तेमाल तो किया ही नहीं था उन्होंने ना। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बेहतर है कि मैं खुद घर में ही जो है ना वो कर लेती हूँ, तो अभी बस मैंने खुद ही जो है वो मैं ले आई हूँ। बस दुआ करिएगा कि अच्छा सा कलर आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरे बाल जो है उल्टा ख़राब हो जाए। हस्बैंड भी थोड़ा सा वो गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनको जो है वो ब्लैक कलर ही पसंद है बालों का, तो उन्होंने कहा था कि ब्लैक कलर के बाल जो अच्छे लगते हैं ना वो कोई भी कलर के बाल अच्छे नहीं लगते हैं किसी पे भी ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो चेंज कर लूँगी, ब्लैक ही कर लूँगी वापस फिर से ना। तो कह रहे थे बस बेड़ा गर्क करना ना तने बालों का, तू कर ले बेड़ा गर्क। तो है यहाँ पे देखें पूरी ट्यूब जो है वो मैंने इसकी ले ली है, और उसके बाद मैंने पूरा जो इसका डेवलपर था जो 20 वॉल्यूम है, डेवलपर ही आई थिंक इसको बोलते होंगे क्योंकि मैंने कभी किया नहीं कलर, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ और फर्स्ट टाइम खुद से जो है वो ट्राई कर रही हूँ इन चीज़ों को। एक दो मैंने वीडियो देख ली थी इसको लगाने से पहले, और ये ज़रूरी भी होता है जब भी आप कोई भी इस तरह का काम जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो बेहतर यह है कि आप दो तीन वीडियोज़ जो है ना वो लाजमी यूट्यूब पर देख लें, उसके बाद आप करें या किसी से मशवरा कर लें। अच्छा यहाँ पर देखें जो बाल थे वो मैंने तीन पार्ट में कर लिए हैं, जैसे हम बचपन में छोटे होते हुए पोनियाँ करते थे ना उसी तरह से आपने जो है ना दो साइड पर कर लेनी है और पीछे कर लेनी है, और थोड़े बाल जितने आप लेंगे ना उतना अच्छा जो है ना उन पे कलर जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। और ये वैसलीन है जो कि मैं इसको सामने माथे पे कानों पे लगा दूंगी और पीछे थोड़ी सी गर्दन पे लगा दूंगी, ताकि अगर कलर वाले बाल या फिर कलर का ब्रश भी गलती से अगर लग जाता है कान पे या माथे पे तो कलर जो है ना वो यहाँ हमारे सर पे ना लगे। ठीक है जी, तो करने से पहले भी मैंने एक दफ़ा दिखा दिया, अभी ये देखिए सारा कलर जो है वो अप्लाई कर लिया। रमेश ने भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प की कलर करवाने में और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की, लेकिन जो हस्बैंड लोग हैं ना वो अक्सर तंग आ जाते हैं। अगर तो आपके हस्बैंड जो हैं बहुत ही तहम्मुल मजाज वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं, तो फिर तो वो काम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो बाल थे ना वो एक तो माशाल्लाह से काफ़ी आपको पता है लंबे भी हैं, और दूसरा इन पर कलर करना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। तो खैर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरी हेल्प की है उसमें मेरे बालों को कलर लगाने में, और रमेश ने भी साथ साथ काफ़ी जो है ना वो हेल्प की थी। अभी यहाँ पे देखें पूरे बालों पे मैंने अप्लाई कर लिया है, बस इसको तकरीबन जो है वो मैं एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी अपने बालों पे, तो उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। और अभी जो है वो मैंने ब्लीच भी जो है वो घोल रही थी क्योंकि हाथों और पैर जो थे ना वो मेरे रह गए थे, क्योंकि फेस तो मैं ऑफिशियल करवा के आ गई थी और कलर भी बालों पर कर लिया और हाथ और पाँव रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी अब जल्दी से जो है ब्लीच घर में ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये जॉनसन वालों की जो ब्लीच है वो ली है, और इनका पूरा जो फेशियल किट है वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन उससे होता नहीं है और कोई मेरे पास ऐसा है भी नहीं कि जो मुझे घर में कर लेगा, अदरवाइज़ मैं घर में कर लेती। पार्लर में भी कुछ अलग यूज़ नहीं करते, यही सामान उन्होंने यूज़ करना होता है पार्लर में भी, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए अगर कोई हो तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है, जो कि जिनको सारे स्टेप पता हों फेशियल के किस तरीके से करने हैं। अच्छा यहाँ पे देखें ब्लीच जो थी ना वो मैंने खोली है, अभी वो रमेश नहीं बल्कि मेरे साथ मैंने भी कुछ लगाई, कुछ रमेश ने लगा दिए, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थोड़ी सी ब्लीच जहाँ से उतरी थी ना वहाँ से कलर देखें मतलब कि चेंज होना शुरू हो गया। तो बस अभी मैं ये ब्लीच लगाकर फिर उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी, तकरीबन 15 मिनट बाद जो है इसको वॉश कर लेना, वैसे आप हाथों पैरों पे जो है वो 20 मिनट भी रख सकते हैं, तो उसके बाद वॉश करूँगी और फिर सर धोऊंगी, और उसके बाद मैं सुबह ही आपको अपने बाल जो है वो दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो रात का टाइम है और आपको कलर वो जो है ना बालों को अच्छा वाला दिखेगा नहीं कि कौन सा कलर बालों पर आया, सुबह की ज़रा दिन की रोशनी होगी तो फिर उसमें जो है वो अच्छे तरीके से कलर भी दिख जाएगा। तो चलें अभी सुबह मिलती हूँ फिर आपसे। जी तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है अभी, तो मैं अभी आपको उठते ही जो है ना अभी मैंने ना तो यकीन करें बालों में कोई कंघा शंगा किया है, ना ही मैंने कोई बाल अपने कुछ भी नहीं किया, इनको सूर्य सो कर उठी हूँ, यहाँ तक कि मुंह भी नहीं धोया था, और मैं उठकर अपने बाल देखने लगी थी कि इन पर कैसा कलर है, क्योंकि रात को तो मुझे नहीं पता था, काफ़ी लेट हो गए थे, उसके बाद वॉश करने के बाद अभी हल्का गीला ही था सर और मैं सो गई थी, फिर उसके बाद मुझे यही था कि अब सुबह उठकर जब बाल बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं फिर आपका जो कलर है ना वो आप पे नज़र आते हैं। ये देखें ये वाला कलर आया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरे घर वालों में से किसी को बहुत पसंद आया और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे जो ब्लैक बाल है ना उन्होंने कहा कि वही अच्छे लगते हैं, तो ये वाला कलर आया था इस पर, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आया। कोई साइंस नहीं होती यकीन करें कलर करने में, अक्सर आपको मैंने पार्लर गई तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कलर मेरे पास अपना पड़ा हुआ है आपने सिर्फ लगाना है, तो आप कितने पैसे लेंगे उसमें, तो उन्होंने 4500 मुझे सिर्फ लगाने का बताया था, तो फिर मैंने सोचा कि 4500 मैंने जो लगाने के लिए सिर्फ देना है इनको, तो बेहतर है घर में लगा लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हुई थी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं,
क्योंकि जो मैंने बताया ना कि जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो अक्सर इन कामों से तंग आ जाते हैं, क्योंकि कभी किया नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जब करना पड़ता है तो फिर जान निकलती है। तो यहाँ पे जो ब्लीच की थी हाथों में वो भी दिखाई थी, और एक पिंपल जो है वो मुझे आने लग गया यहाँ पे चिन पे, और मैं अब यही सोचती थी कि अब ये बड़ा गंदा वाला निकल रहा है। तो यहाँ पे इर्मिश जो है वो पकड़ के मेरे बाल जो है वो देख रही थी कि आप ये देखें बीच में से तो कलर चेंज है, तो मैं कह रही थी जो स्टिकिंग हुई हुई थी उसमें जो है वो चेंज है, बाकी मेरे बालों पे जो है कलर आ गया। अभी मेरी सासू माँ भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी, वो भी देख रही थी मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, वो भी यही कह रही थी जल्दी आ जाना। तो अक्सर ऐसे होता है जब हम लोग घरों में रहते हैं तो हमारा इतना ज़्यादा ना पता नहीं चलता कोई हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन जब हम कहीं निकलने लगते हैं तो फिर पता चलता है कि सबको जो है ना वो हो रहा होता है कि जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना। तो बस अब मैं जल्दी से जो है वो पैकिंग कर लूँ, जो जो कपड़े रखने हैं जो निकालने हैं। तो मैं ये देख रही थी थोड़ा सा ये जो मोटी शर्ट है आई थिंक करंडी की है, तो मैं वही पूछी थी आसिफ से और अम्मी से कि मुल्तान में ये पहनी जाएगी या नहीं आगे सियालकोट में, तो फिर वो देख रहे थे कह रहे थे कि ठीक है इतना मोटा नहीं है तो एसी में, तो वहाँ गाड़ी शाड़ी में इधर उधर जहाँ जाना होगा तो तुम पहन सकती हो। तो फिर मैंने एहतियातन जो है वो फिर भी मैंने रख लिया, अगर पहना गया तो पहन लूँगी अदरवाइज़ फिर वो नहीं पहनूंगी। तो बस अभी सारे मैं कपड़े निकाल लूँ, फिर उसके बाद जो जो रखने हैं आसिफ के रख लूँगी अपने रख लूँगी, तो वो दोनों बैग निकाले हुए थे कि अगर इसमें आ जाएंगे तो इसमें रख लेंगे अदरवाइज़ फिर वो दूसरे वाले बैग में रख लूँगी। तो ये मेरा सारा मेकअप का सामान है जो मैंने निकाल लिया था अपना, जो ज़रूरी था, जो अगर मुझे तैयार होकर कहीं जाना पड़ता है इधर उधर तो वो भी फिर आगे हो सकता है एक दिन के लिए मैं आगे भी जाऊँगी सियालकोट भी जाऊँगी अम्मी लोगों की तरफ, तो वो भी फिर बीच में जाहिर सी बात है तैयार तो होना है, वहाँ भी निकलना है, फिर वहाँ मुल्तान होंगी तो वहाँ भी इधर उधर जाना है। तो बस वो भी मैंने सारा निकाल लिया था। यहाँ पर मेरे पास टाइम इतना कम था कि इस टाइम में सब में मुझे सालन भी तैयार करना था, पैकिंग भी करनी थी, मेकअप भी निकालना था, खुद भी तैयार होना था, ये सारी चीज़ें करनी थी। और यहाँ पर देखें ये सालन भी मैंने बना लिया, बस जल्दी से मैंने जो है वो मसाला भूनकर उसमें चिकन वगैरह ऐड करके थोड़ी सी अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और उसके बाद हल्की आंच करके इसको रख दूंगी, बस ये भी तैयार हो जाएगा। और बस सारे घर के काम काज साथ साथ ही चल रहे थे और बच्चों को भी समझा रही थी सारे के पीछे से बाहर निकलना ये नहीं करना वो नहीं करना। वैसे अम्मी इधर ही हैं तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों को छोड़कर जाने की, अम्मी जो है इनके पास राउंड लगा लेंगी, तो बच्चे भी जो हैं खुद भी जो है माशाल्लाह से जो बड़े वाले दोनों हैं ना वो दोनों कर लेते हैं संभाल लेते हैं चीज़ें सारी। इर्मिश क्यों रो रही हो? मत जाए ना मुल्तान, इतनी तैयारी करके मैं मुल्तान ना जाऊँ, मुझे बताओ अब कैंसिल कर देना, बच्चों को भेज दे, बच्चों को भेज। तो तीन दिन की बात है, तीन दिन बाद मैंने आ जाना, रोने वाली कौन सी बात है इसमें, जब तुम जाकर दो दो महीने लगा कर आती हो अपने गांव में मैं से रोती हूँ तो फिर बस करो, इसीलिए तो दोबारा भाग के आ गए। तो बस अब तीन दिन के लिए जाना है, बस जल्दी वापस आ जाना, यूं गुजरने हैं तीन दिन यूं फटाफट चुटकी बजा के। मुझे पता है ना मेरे कैसे गुजरेंगे आज के, तो मैं कहती हूँ तुम्हारे मेरे सालों लगेंगे आज, तीन दिन की बात है तीन सालों में लगेंगे। आ जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी, बस ख्याल रखना अपना घर का बच्चों का, वो ना हो कि बस तुम भी आराम से बैठी रहो कमरे में और इधर ये भी ऐसे ही बैठे रहे और घर का जो है ना वो सत्यानाश हो। ठीक है ना, नहीं मैं आ जाऊंगी जल्दी, जाना जरूरी है तुम्हें, तुम्हारे भाई जबरदस्ती तुम्हें पता तो है लेकर जा रहे हैं कि नहीं तुम चलो, वरना मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था रमजान बिल्कुल, अब तुम्हें पता है सर पे है।